से ही पता होता है कि हमारा पेपर कैसा गया है, बिल्कुल हमारी शक्ल जैसा। वाह यार। तो देखो भाई लोग, लड़का और लड़की के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो पूरी दुनिया बताती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ आज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर लड़की का पेपर अच्छा चला गया तो लड़की की दोस्त डिप्रेशन में, लेकिन वहीं पर अगर लड़के का पेपर अच्छा चला गया तो लड़का खुद डिप्रेशन में। उसे तो पता था कि उसने साल भर जो अपनी पूरी जान लगाई है अपने आप को बर्बाद करने में, वो तो और कोई कर ही नहीं सकता। अगर वहीं पर लड़की का पेपर खराब चला गया तो एज यूजुअल साइलेंट मोड पे लड़की डिप्रेशन में, और वहीं पर अगर लड़कों मतलब हम लोग का पेपर खराब चला गया तो एज यूजुअल लड़का, लड़की का दोस्त और उसका पूरा खानदान चिल मोड पे, कि उन्हें और हमें सब कुछ पता था कि हम लोग जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज उखाड़ सकते हैं, वो है घास। देखो भाई लोग ना, लड़कियों को क्या होता है ना, तो एग्जाम देने के बाद जब वो अपने घर आती हैं तो वो अपने पेपर को एनालिसिस, सर्वे, सर्जरी, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे सब कुछ कर डालती है। बट हम लड़कों को क्या होता है ना कि हमें उतनी जरूरत होती ही नहीं है पेपर अपनी चेक करने की, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा पेपर कैसा गया है, बिल्कुल हमारी शक्ल जैसा। वाह। तो होता क्या है ना, एक और चीज़ है कि लड़कियों को कुछ अपने दोस्तों से मांगना होता है तो वो सीधे सीधे मांग लेती हैं, लेकिन लड़कों का ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वो आपकी जाति पहचानवाएंगे, क्या वे चूतिए पेंसिल है, दोस्त भी लाइक नहीं है भाई। फिर वो आपकी जनजाति पहचानवाएंगे, तू चू था तो चू है तो चू ही रहेगा, तुझसे कुछ ना उखड़ पाएगा। और ये सब होने के बाद मैंने अपने दोस्तों पे या सभी के दोस्तों पे एक चीज लिखी है, तो तुम हो क्या, शब्दों के समूह को बनाकर जो हमारे तन मन को ठेस पहुंचाकर और सशरीर बेइज्जत कर हमें बेइज्जत कर दे, वो हो तुम। और ये बचपन में क्या चल रहा है, ये बचपन में चलता क्या है भाई, पेंसिल बोलो तुम्हारी शादी कैंसिल, क्या ये भाई मेरी शादी कैंसिल, मतलब मैं पेंसिल बोलूंगा तो मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, मतलब गजब।